1910 का दशक था। भारत का युवा अंग्रेजों से देश की आजादी, जो अब क्रांति बन चुकी थी, इसके लिए संघर्ष कर रहा था। और यह क्रांति केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी। जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत के लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियां पूरी दुनिया में फैल रही थी। पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक अवसर की तरह देखा और गदर आंदोलन के पनपने की शुरुआत हुई। एक बड़े पैमाने पर सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए योजनाएं बनने लगी। कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी बना के संघर्ष का बिगुल बजा दिया, जिसके पीछे लाला हरदयाल की सोच थी। लेकिन इस सोच ने जन्म कैसे लिया, ये जानना दिलचस्प रहेगा। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर, आप सभी का स्वागत है। लाला हरदयाल की गदर पार्टी के लेखों ने लोगों के साथ अंग्रेजों के भी कान खड़े करना शुरू कर दिए थे। 1913 तक पार्टी के भारत के क्रांतिकारियों से भी संबंध बनने लगे। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने में उनकी बौद्धिक प्रतिभा और कुशल लेखन से हजारों देशभक्त प्रेरित हुए और स्वतंत्रता हेतु संघर्ष का आधार खड़ा हुआ। उन्होंने इसके लिए गदर अखबार का प्रकाशन भी किया, जिसके नाम पर ही गदर पार्टी का नाम रखा गया। लाला हरदयाल उन अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध भारत, अमेरिका और लंदन में अभियान चलाया और राष्ट्र जागरण की अलख जगाई। लाला जी ने अंग्रेजों के हर प्रलोभन को ठुकराया। अंग्रेजों ने लंदन में उन्हें उस समय की सबसे प्रतिष्ठित ICS पद की पेशकश की थी, जिसे हरदयाल जी ने ठुकरा दिया था, अपितु उन्होंने तो लंदन में भारतीयों के संगठन और स्वाभिमान जागरण के अभियान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इसी ICS सेवा को अब IAS के रूप में जाना जाता है। साल था 1884, 14 अक्टूबर का दिन। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक कायस्थ परिवार में बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया हरदयाल। पिता गौरीदयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर का काम करते थे। उर्दू और फारसी जुबान के विद्वान थे। आर्य समाज उनकी रग रग में था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपदेश उनके जीवन का लक्ष्य था। बहुत कम उम्र में ही हरदयाल ने अपने पिता से कई भाषा का ज्ञान हासिल किया। माता भोला रानी रामचरितमानस की विदुषी मानी जाती थी। कहा जाता है कि अध्यात्म से प्रीत उन्हें उनकी माता जी से ही मिली थी। सारा परिवार आर्य समाज के जागृति अभियान से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार घर और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्कृति की स्थापना का वातावरण था। इसलिए कम उम्र से ही हरदयाल पर आर्य समाज के आदर्शों का जोरदार प्रभाव था। हरदयाल बड़ा हुआ तो आरंभिक शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज मिशन स्कूल भेजा गया और फिर उच्च शिक्षा के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली भेजा गया, जहाँ से उन्होंने संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति उनके लगाव को देखकर सरकार की ओर से उन्हें 200 पौंड की छात्रवृत्ति दी गई। अब नौजवान हरदयाल अनेक सपनों के साथ छात्रवृत्ति के सहारे आगे पढ़ने के लिए लंदन चले गए और सन 1905 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जो उस समय अपने आप में एक कीर्तिमान था। लेकिन पढ़ाई के साथ अब हरदयाल का मन विचलित होने लगा। कारण था वहाँ भारतीयों के साथ होता हीनता से भरा व्यवहार। यद्यपि इसका आभास उन्हें दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में भी हो गया था, इसके लिए उन्होंने अपने छात्र जीवन में जागृति और वैचारिक संगठन का अभियान भी चलाया था, लेकिन यहाँ उनका यह काम संगोष्ठियों, कविताओं और डिबेट तक सीमित रहा। लेकिन लंदन में वे यहीं तक सीमित न रह सके। उन्होंने इसे संगठनात्मक स्वरूप देने का विचार किया। यह वह कालखंड था जब लंदन में मास्टर अमीर चंद क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे। लाला हरदयाल जी उनके संपर्क में आए। उनका संपर्क क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लाला हरदयाल जी भी उसके सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों के संपर्क और अध्ययन से लाला जी को यह भी आभास हुआ कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का दबदबा भारतीय सैनिकों के कारण है,
जहां कभी भी सेना भेजनी होती है उसमें सबसे अधिक संख्या भारतीय मूल के सैनिकों की होती थी, लेकिन अंग्रेज उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते थे। साल था 1907। लाला हरदयाल जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान कर डाला। तब का एक मशहूर किस्सा है जो उनके भारत के प्रति प्रेम को दर्शाता है। दरअसल उसी समय यहाँ अल्लामा इकबाल प्रोफेसर थे जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उन दिनों लाहौर में नौजवानों के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसे YMCA के नाम से भी जाना जाता था। किसी बात को लेकर लाला हरदयाल की क्लब के सचिव से बहस हो गई। बात हिंदुस्तान की इज्जत की थी। लाला जी ने आप देखा ना ताव फौरन ही YMCA जैसी यंग मैन इंडिया एसोसिएशन यानी YMIE की स्थापना कर डाली। जब लाला जी ने प्रोफेसर इकबाल को सारा माजरा बताया और उनसे एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने को कहा तो वह फौरन तैयार हो गए। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा सुनाई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि किसी समारोह के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष भाषण के स्थान पर कोई तराना गाया हो। लाला हरदयाल और उनके मित्र इकबाल के इस छोटी सी लेकिन जोश भरी रचना का श्रोताओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी देश प्रेम से जुड़ी सक्रियता देखकर उन पर स्थानीय प्रशासन का दबाव बना और वे 1908 में भारत लौट आए। यहाँ आकर भी लाला जी युवकों को संगठित करने में लग गए। उनका अभियान था कि भारतीय युवक ब्रिटिश शासन और सेना की मजबूती में कोई सहायता ना करे। इसके लिए उन्होंने देशव्यापी यात्रा की। उन्होंने पुणे जाकर बाल गंगाधर तिलक जी से और लाहौर में लाला लाजपत राय जी से मुलाकात की। लाहौर से एक अंग्रेजी में समाचार पत्र आरंभ किया। उनका समाचार पत्र राष्ट्र चेतना से भरा हुआ था। साल था 1910। लाला हरदयाल जी फिर से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने भारत से गए मजदूरों को संगठित किया, गदर नामक पत्र निकाला। गदर पत्र से पूरी दुनिया का ध्यान भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की ओर केंद्रित किया। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने भारत के सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। जून 1915 में जर्मनी से दो जहाजों में भरकर बंदूकें बंगाल भेजी गई, परंतु मुखबिरों की सूचना पर दोनों जहाज जब्त कर लिए गए। हरदयाल ने भारत के पक्ष का प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की भी यात्रा की। जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक नजरबंद भी कर लिया गया था। वहां से वे स्वीडन चले गए। उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष वहीं गुजारे। वहां स्विस भाषा सीखकर उसमें ही उन्होंने इतिहास, संगीत, दर्शन आदि विषयों पर कई व्याख्यान दिए। उस समय उन्होंने दुनिया के 13 भाषाओं पर अधिकार कर लिया था और उन सभी में लेखन और भाषण देने का कार्य भी करते रहे। काकोरी कांड के बाद मई 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी, तो फिर अब उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने का मन बना लिया था। इस दौरान लाला जी ने कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखी। द बोधित्व डॉक्टरिन इन बुद्धिस्ट नामक शोधपूर्ण पुस्तक लिखने पर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने PhD की उपाधि प्रदान की थी। बाद में लंदन से ही उनकी कालजयी कृति हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर छपी। मानवता को अपना धर्म मानकर उन्होंने लंदन में ही आधुनिक संस्कृति संस्था भी स्थापित की थी। साल था 1938। लाला जी को हिंदुस्तान वापस आने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन इससे पहले वे भारत लौट पाते महानगर फिलाडेल्फिया में 4 मार्च 1939 में उनका निधन हो गया। उनकी मौत की गुत्थी एक रहस्य ही रही। भारत के सपूत वीर क्रांतिकारी महर्षि जी के भक्त लाला हरदयाल सिंह जी को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।